तो आज हम आ चुके हैं महाराष्ट्र के एलोरा गुफा के सामने, गेट के सामने, जो आप लोग इतिहास की किताब में पढ़े भी होंगे एलोरा और अजंता गुफाओं के बारे में, उसी को आज आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको अंदर दिखाने वाले हैं। यही वो गुफा है जो आप लोग किताबों में पढ़ चुके हैं और आज आप अंदर से इसको देख सकते हैं। ये पत्थरों को, पहाड़ों को काटकर इस कलाकारी को बनाया गया था। 2-3 हजार साल पहले का ये माना जाता है। यहाँ से एंट्री होता है, अंदर आपको हम दिखाते हैं। देखिए, ये सामने ये भोलेनाथ की प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-3 हजार साल पहले की कलाकारी को आप देख सकते हैं कि पहाड़ों को काटकर किस तरह इस मूर्ति को बनाया गया होगा। इस समय तो असंभव है बनाना, लेकिन उस समय के लोगों के अंदर इतना कला था कि ये सब कलाकारियां सब बना दिए थे। या तो इस बड़े से हाथी को देख सकते हैं, ये देखिए आप, पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। यही एलोरा की गुफाएं हैं। और आगे हम आपको दिखाते हैं, ये गुफा है, इसमें लोग जाते नहीं हैं, बहुत पुराना ये भी माना जाता है। ये लोकेशन आप देख सकते हैं, ये उधर का हाथी इधर भी बनाया गया था लेकिन टूट चुका है। इसका अभी तक अनुमान नहीं लगाया जा चुका है कितना पुरान है ये, मतलब कितने साल हो गए इसके बने हुए। आगे आपको चलिए ऊपर दिखाते हैं, आइए। ओए, कलाकारी को आप देख लीजिए, पहाड़ों को काट के बनाया गया है। काला है। यहाँ से हम अब ऊपर एंट्री करते हैं और ऊपर से आपको हम पूरा नजारा दिखाते हैं। वीडियो में बने रहिए, आपको हम एलोरा की पूरा गुफाएं दिखाने वाले हैं। देखिए, अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं। ये एलोरा की गुफाएं पहाड़ों को काट कर बनाया गया था। यहाँ पे एक हम मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भोलेनाथ का मंदिर है। ये एलोरा की मेन गुफाएं हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितना अंधेरा है। इस कलाकारी को आप देख सकते हैं, ये महादेव। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला गुफा दिखाते हैं। अभी यहाँ पे कैमरा बंद करने के लिए बोला गया है।